मैंने आपसे पहले ही कह दिया। मैं समझे शायद आप कहती हूँ मेरी डिमांड पूरी कर दे, वरना नहीं, वरना वरना कभी नहीं होता। अच्छा ग्रेट, ये तो बड़ी जबरदस्त, वेरी लकी, वेरी लकी। अच्छा और जब आगे चलती हैं आप अपनी फील्ड में और काम में, डिजाइन्स कहीं से इंस्पायर होती हैं, देखती हैं? जी, मैंने आपसे पहले कहा है कि जो इंस्पिरेशन है ना, वो इंस्पिरेशन फ्रॉम माय ओन, वो ये है कि मैं अपने जो क्रिएट कर, मेरा माइंड क्रिएटिव है, तो जो मेरे माइंड में आई थिंक विच आई वांट टू डू, वो फिर मैं कर लेती हूँ। सही, हाँ, जो आपको लग रहा होता जी है कि लग अच्छा रहा था कि ये मैं कर सकती हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो आई है मुझे इसको लॉन्च करने में, 3 अप्रैल को मेरी इसकी ओपनिंग थी, तो लेकिन ये है कि जब आपने एक माइंड सेटल कर लिया कि मैंने ये करना है, तो फिर करना है। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, क्या आई हैं? प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि जब आपने किसी को ऑर्डर किया है कि मुझे ये चीजें आपने इन टाइम देनी है, तो ये होता है कि सम टाइम वो होता है कि वो टाइम पे नहीं दे रहे होते, तो जब आपने एक डेट अनाउंस कर दी है तो फिर आपको उसका टेंशन होती है कि आप मेरे टाइम पे मिल जाएं। लेकिन ये है कि मेरी टीम वर्क बहुत अच्छा है, तो दे जो है वो सारा मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं। बिल्कुल सही, दैट्स व्हाई। जबरदस्त। शाहिना अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक सर, बहुत अच्छे बार आपको चले, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया। क्या मुझे कहेंगे आज के सवाल का, क्या बताएंगे मुझे? बस यही है कि हालांकि मेरी एज ऐसी तो नहीं है जवाब दूं, लेकिन लड़कियों के हवाले से जवाब देना चाह रही हूँ। हाँ, हाँ, कौन सा आप चूज करेंगे कि मैं ये वाला चाहूंगी? ग्रीन वन? देखिए मेरी एज है ना वो 50 है। अच्छा, फिर आपको ये वाला भेजेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये इसमें बहुत सारी वो है, खूबसूरत, वफादार और तहफ्फुज़ देने वाला हो। हमने शोहर के लिए पूछा है, तो जरा कोई बॉडीगार्ड टाइप की चीज हो तो उसमें भी ये है ना, तहफ्फुज़ देने वाला, वफादार, दयानतदार। वो तो मेरे ख्याल से अगर वो सिंगल पसली भी होगा, अगर वो तहफ्फुज़ देना चाहता है तो वो देगा, बजाय इसके कि बहुत वेल बिल्ट हो और वो कुछ भी ना, वो केयरलेस हो तो कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। बिल्कुल, ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है ना कि चीजें जो बाहर नजर आती हैं वो हो सकता है उस तरह से हो ना, और जो हो वो हो सकता है नजर ना। जी बिल्कुल। तो ये बड़ी डेलिकेट सा एक बात होती है जो समझने की बात होती है। सही बात। अच्छा, आपकी जो डिजाइन में क्या चीज डिफरेंट है, क्या चीज मजे की है? मेरी डिजाइन जो है ना वो एक्सक्लूसिव है, जो मैं एक बनाती हूँ तो फिर वो एक्सक्लूसिव ही होता है, फिर दूसरा नहीं बनाती, दूसरा पीस नहीं उस तरह। अगर कोई ऑर्डर भी दे के इस तरह का मुझे बना दे तो जी सब, फिर मैं जो ऑर्डर देता है उसकी पर्सनालिटी के लिहाज से उसमें सब मैं कुछ चेंजेस कर देती हूँ। ठीक है, किन चीजों क्या उसको सूट करता है, पर्सनालिटी कैसे देखती है, मतलब उसमें क्या चीजें जो आप देखते हैं? बॉडी फिगर होता है उसमें, और आउटलुक की होती है, क्या उसमें उसका कलर कम्प्लेक्शन उसका क्या है, उसकी बॉडी किस तरह है। ठीक है, तो अगर स्लिम बॉडी का होगा तो उसको फिर हम उस तरह के कलर जो है वो दे देंगे। हाँ, उसको देते हैं। तो अगर कोई जरा थोड़ा सा उस तरह हैवी बॉडी वाला तो फिर उसको उस तरह के करते हैं। क्या क्या करते हैं स्लिम बॉडी वालों को, क्या स्लिम बॉडी वालों को? अगर हम मैं जैसे अडावर करते हैं हम, तो उसमें बीट्स भी आ जाते हैं, उसमें सीक्वन भी आ जाते हैं इस तरह के, तो ये है कि उसको हम जैसे फ्लेरी फ्रॉक्स, वॉल्यूम फ्रॉक्स चल रहे हैं आजकल ना, तो वो उसको सजेस्ट करते हैं कि आप ये पहने ना। ठीक है, तो अगर कोई उस तरह का दूसरा हर टाइप के कस्टमर आते हैं तो वो आते हैं, तो फिर उनको हम कहते हैं कि आप लॉन्ग शर्ट्स तो पहने, बिकॉज दिस इज इन फैशन। ठीक है, तो ये है कि लेकिन बहुत वॉल्यूम वाले ना पहने। ठीक है जी, बिल्कुल सही। सो ये फ्लेयर के साथ आप एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन बहुत ज्यादा वॉल्यूम में ना जाएं। जी, वॉल्यूम में, वॉल्यूम जो है थोड़ा सा वो जरा फिर हैवी लुक देते हैं ना। अच्छा, एक तो ये भी होता है कि कैमोफ्लेज हो जाता है आदमी, उसमें पता ही नहीं चलता कि कौन कितना पतला है और कौन कितना मोटा है। नहीं नहीं, जो मोटा होता है ऑब्वियसली उसकी पूरी बॉडी पे ही इफेक्ट होता है, ये तो नहीं है कि नीचे से मोटा और ऊपर से स्लिम, ऐसा तो नहीं है। सही, लेकिन ये फिर भी कुछ कवर कर जाता है, जो वॉल्यूम वाले ड्रेसेस है वो कवर कर जाते हैं, लेकिन ये है कि अकॉर्डिंग द साइज बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हिना? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं फरा? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जी, आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, ये इन्होंने डिजाइन किया नरगिस ने। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी डिजाइनर है जी। अच्छा हिना, मैंने आपसे पूछा है, क्या बताओगी आज के सवाल का? हमारे आज के सवाल का फरा, मेरी अम्मी ने जो देखा था, या मैं अपनी बेटी के लिए किसी पार्टनर, इनके उसके पार्टनर के लिए देखना चाहूंगी, वो सबसे पहले होगा कि वो नमाजी हो। आए
वेरी गुड, सही। और फिर होगा कि वो एजुकेटेड हो, दूसरा एजुकेटेड हो, ठीक है। और तीसरा होगा कि सिंसियर हो, जिसमें सिंसियरिटी में केयरिंग भी आ जाता है, हर किस्म की चीज आ जाती है। सही। यही तीन चीजें जो है मेरी अम्मी ने मेरे पार्टनर में देखी थी और मैं अपनी बेटी के लिए उसके पार्टनर के लिए देखूंगी, क्योंकि अच्छा। जब ये तीन चीजें होंगी तो फिर ये खूबसूरती भी आ जाएगी, दौलत भी आ जाएगी, क्योंकि एजुकेटेड होगा दौलत भी आ जाएगी, और नमाजी होगा तो उसमें खूबसूरती जो है अंदर की खूबसूरती भी आ जाएगी। तो मैं तो बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ। अच्छा, और मैं यही क्वालिटीज अपनी बेटी के हस्बैंड के लिए भी देखूंगी कि यही हूँ। वाह जबरदस्त, आपने तो खुश कर दिया सुबह सुबह ये बता के। अगर आप इतनी खुश हो तो यार वाकई यही तीन क्वालिटीज देखनी चाहिए। देखिए फरा, ये आपका अपना होता है कि आप किस पे कनेक्ट कर लेती हैं। हाँ। अगर आपकी वैल्यूज ही ये हैं तो आप बहुत खुश रहेंगी। अगर आपका क्राइटेरिया दौलत है तो दौलत का तो कोई एंड नहीं है। बिल्कुल, खूबसूरती आज है कल तो ढलनी ही ढलनी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप डिले कर सकते हैं उसे, इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल जबरदस्त, क्या थॉट्स हैं आपके, जबरदस्त। तो आपको रेड वाला ड्रेस भेजेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ रही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। यहाँ पे भी बहुत सारे और हैं जो कि यहाँ पर बताए हुए हैं, गुड एजुकेशन, लविंग मैन एंड गुड जॉब, ये क्राइटेरिया है मारा के ख्याल में जो कि एक अच्छे साहब का हो सकता है जिनको कि वो चूज करें अपने उसके लिए। एक और था यहाँ पे, वो ये है कि मुझसे सिंसियर हो, वो मेरे और अपने माँ बाप की इज्जत करता हो और उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट हो। ये अनिका सियालकोट से कह रही हैं। तीन चीजें लड़कियां देखती हैं, नंबर एक फैमिली बैकग्राउंड, नंबर दो बरसरे रोजगार, नंबर तीन बा अखलाक। ये हाजरा का कहना है चित्राल से। क्या सारे ऑलमोस्ट ठीक ठीक रहे, लेकिन जो कैच छोड़ा है ना उन्होंने, क्या था वो, कि सलमान खान की लुक्स, इमरान खान की क्वालिटी और प्रिंस चार्ल्स का बैंक बैलेंस, तो ये एक यूनैनिमस किस्म का वो फॉर्मूला है कि जिससे आप इख्तलाफ कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते अगर ये सारी चीजें हों तो। वैसे ये सारी चीजें इकट्ठी मिलती नहीं है किसी को भी, ठीक कह रही है, लेकिन एक अपना वो था कि हमने इस पे बस कर लेना है कि प्रूव कर लेना कि बस हम इस पे खुश हैं। हाँ। तो जब आप अपने आप को उसमें कर लेते हैं कि हमने इसमें खुश होना, तो आई डोंट थिंक सो कि वो बंदा फिर वो फिर अपने आप को यही समझता है कि आई एम द टॉप बेस्ट। अच्छा, आने वाले दिनों में कौन से कलर्स इन रहेंगे अब जबकि गर्मियां आहिस्ता होती जाएंगी? अभी तो स्प्रिंग जा रहा है इस्लामाबाद में, तो अभी स्प्रिंग ही लगता है क्योंकि रात को भी बारिश हो रही थी। तो ये है कि आने वाले दिनों में ज्यादातर बोल्ड कलर चल रहेंगे, जैसे रेड और गर्मियों में भी हाँ अच्छे लगेंगे बोल्ड, येलोज जैसे हैं और इस तरह नाइट टाइम में इस तरह के कुछ पेस्टल शेड्स में, और उसमें नहीं जाएगा गर्मी की जी, जी, गर्मी जब जब बहुत गर्मी जैसे जून जुलाई आएगा तो हाँ। फिर थोड़े से वही कलर थोड़े से डिम हो जाएंगे डे टाइम में, तो वो ये है कि वो कूल लुक, लेकिन फ्रेश कलर जो है वो सोफा फ्रेश कलर तो चल ही रहे हैं। जैसे कि पहले तो ये था कि मैचिंग जो हम ट्रिमिंग यूज कर रहे थे उनको सेम कलर के साथ सेम ट्रिमिंग्स देते थे, लेकिन अब जो है कलर अगर कोई ब्लैक है तो उसके साथ शॉकिंग पिंक और येलो और इस तरह ऑरेंज और इस तरह के देते हैं, वो बहुत अच्छी लुक। और इन चीजों के साथ भी एक कलर को एनहांस किया जा सकता है और उसको इस तरह की कॉम्बिनेशन, ये जैसे ये रेड ड्रेस आपने रखा है इसमें मैंने बॉटल ग्रीन बनाया जो मेरे ख्याल से ये दिखा रहे हैं उसमें, तो उसके साथ मैंने शॉकिंग पिंक को एनहांस किया ना, सही, तो उससे वो बहुत खूबसूरत उसकी लुक आ गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। और कौन से कट्स जो है वो फ्लेयर्स वगैरह इसी तरह से वॉल्यूम वाले और फ्लिप फ्लॉप शर्ट्स चल रही हैं और जो ए लाइन और लॉन्ग शर्ट्स। एंड व्हाट अबाउट ट्राउजर्स, वो भी इसी ट्राउजर्स जो है वो समबडी लाइक्स कैप्रीज, somebody likes loose, लेकिन फैशन में कौन से ज्यादा स्टाइलिश लग रहे हैं? जी स्टाइलिश जरा लूज ही अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल सही। हाँ जी, थैंक यू सो मच नरगिस, आप हमारे साथ रही और आप हमारे साथ हर दिन रहेंगी क्योंकि हर रोज आप देख सकेंगे नरगिस के खूबसूरत ड्रेसेस और फिर आपकी इनसे मुलाकात होगी और ये अपने कुछ और ड्रेसेस आप लोगों के लिए गिफ्ट करेंगी। आज जिन कॉलर्स ने हमें मैसेजेस किए और खूबसूरत से अपने गिफ्ट्स जो हमें अपने मैसेजेस दिए हैं और जवाब दिए उनको हम भिजवाएंगे अपने आज के गिफ्ट्स। कीप कॉलिंग, हम देख रहे हैं अभी तक कलेक्ट कर रहे हैं आप लोगों के कौन सा हमें सबसे बेस्ट और सबसे अच्छे मजे के आंसर जो है वो मिलते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप साथ रही, आपसे मुलाकात का सिलसिला रहेगा। थैंक यू, हम रुकते हैं, एक ब्रेक लेंगे और आपसे मुलाकात हमारी नेक्स्ट मेहमान की जो कि है एक राइटर और उसके साथ साथ एक पोएट, उनकी गुफ्तगू और उनकी बातें आप सुन सकेंगे अब से कुछ देर के बाद, साथ रहिएगा।